जय हिंद, भारत माता के वीर सपूतों। आगामी सेना के जवानों स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज मैं आपके बीच इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के 1 नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट वन लेकर आया हुआ हूँ। देखिए, ये जो हमारा पेपर है, ये हमारा दानापुर जोन का DAN दानापुर जोन का ट्रेडमैन का पेपर है। ठीक है, तो ये आपका किया गया था 1 नवंबर 2020 को। ये हमारा पार्ट वन होगा, इसमें 25 क्वेश्चन देख लेंगे और कल जो हमारा पार्ट टू आएगा उसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी ये 25 क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेंगे। शुरू करने से पहले ये बोलूंगा कि देखो, काफी ज्यादा डिमांड आ रही है कि अब क्लासेस शुरू करो। ठीक है, बेसिक मैथ की क्लासेस शुरू करो, क्लासेस लेकर आओ, और भी की कोचिंग करनी है, बहुत सारी डिमांड आ रही है कि आप कब से पढ़ा रहे हो। तो ठीक है, कोचिंग स्टार्ट की जाएगी, बैच स्टार्ट की जाएगी ऑनलाइन ही। मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में कोचिंग नहीं लेता हूँ, ऑनलाइन ही मैं आऊंगा, आपका क्लास लूंगा, वो मुझे मंजूर है, मैं क्लास करवाऊंगा। क्योंकि आप सब सोचो कि पहले तो मुझे ये पेपर कहीं से मंगवाना पड़ता है, किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से, किसी स्टूडेंट से ही मुझे पेपर अपने पहले व्हाट्सएप नंबर पर मंगवाना होता है। उसके बाद मुझे खुद से इन सारे क्वेश्चंस को लिखकर बारी बारी से सोल्व करने होते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ मैथ की क्लासेस की बात करूं, साइंस की अलग क्लासेस की बात करूं, तो मेरे पास पहले से नोट्स पड़े हुए हैं। तो बताओ मेरे लिए क्या इजी होगा? ये इजी होगा कि मैं अलग अलग जगह से डिमांड करके मंगवाऊं, क्वेश्चंस लिखूं और फिर उसको सोल्व करके आपको बोर्ड पर लेकर आऊं, या फिर बस ना नोट कॉपी उठाऊं और उसको मैं बता दूं। तो मेरे लिए इजी तो नोट कॉपी वाला ही है ना, लेकिन तब पर भी मैं आपके ना क्वेश्चन पेपर ला रहा हूं। उसका कारण है कि 1 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है, तो मैं बस यही टारगेट कर रहा हूं कि किसी न किसी जोन का कम से कम एक पेपर आपको बता दिया जाए, एक पेपर दे दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि भाई 1 नवंबर को एग्जाम हुआ है। आज देखो, आज ज्यादा डेट नहीं गया, आज 13 नवंबर ही है, काफी अभी ज्यादा डेट गई भी नहीं है। तो कम से कम 2020 में क्या पैटर्न चल रहा है, क्या लेवल चल रहा है, वो तो देख लो। पहले से कल 2019, 18, 17, 16, 15 की प्रीवियस ईयर बनाई है, कभी 20 की भी तो बना लो, इस साल की भी बना लो, नए साल का पैटर्न देख लो। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्लास सब ज्यादा दिन नहीं आएंगी, हो सकता है 10 से 15 दिन चले, लेकिन फिर उसके बाद जो है हम लोग मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीके, इन सभी की क्लासेस एवरीडे बारी बारी से लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी प्रीवियस ईयर करते हैं। तो ये ट्रेडमैन का पेपर है हमारा। तो ट्रेडमैन के पेपर में देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो सिलेबस की बात अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, सिलेबस हर बार मैं बताता हूँ। देखा होगा प्रीवियस ईयर की क्लासेस अगर अटेंड की होगी तो मैं हर बार प्रीवियस ईयर मैं हर बार आपको सिलेबस की कुछ मैंने कि बोला था शॉर्टली, मैं सिलेबस बताता था, ऐसा आज नहीं करूंगा। अगर सिलेबस जानना हो तो बस आज बटन पे क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां से जाकर आपको ट्रेडमैन का सिलेबस मिल जाएगा। तो चलिए आज क्लास शुरू कर लेंगे। यदि क्लास अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और यदि लगता हो कि अच्छी पढ़ाई जा रही है तो लाइक करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। यदि कुछ भी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या अगर व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया जा चुका है, वहां से भी जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। याद रहे कॉल मत करना, ठीक है, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं करूंगा, कॉल मत करना, केवल व्हाट्सएप ओनली, व्हाट्सएप भी करना, उससे कॉल नहीं उठाने वाला हूं मैं अननोन नंबर रिसीव नहीं करता है। तो वो हो गया। अब बात आती है कि यदि लग रहा अच्छी पढ़ाई जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए आज की क्लास देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। गोवा में सन 1981 से पहले किसका शासन था? आप सब भी जानते हो कि 1947 से पहले भारत पर तो अंग्रेजों का शासन था, ये सभी को मालूम है, पर 1947 के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हमें जो है आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिली पर कुछ कुछ जगह ऐसे थे जिन पर अभी भी किसी न किसी का शासन था, जैसे में कश्मीर, जूनागढ़, आपका हैदराबाद हो गया, और उनमें से ही एक था गोवा जिस पे किसी और का शासन था। तो वो शासन किसका था हमें वही बताना है कि पुर्तगाल का था, स्पेन का था, फ्रांस का था, या फिर इंग्लैंड का था। तो देखिए पुर्तगाल का भारत में कैसे विलय हुआ पहले वो बता देता हूँ। पुर्तगाल का भारत में विलय हुआ था सैन्य प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, सैन्य अभियान के द्वारा पुर्तगाल को भारत में मिलाया, सैन्य अभियान के द्वारा गोवा को जो है भारत में मिलाया गया था 1981 में। अब किसके द्वारा किया गया था तो अभी तक तो सुन ही लिया होगा। तो उससे पहले देखो पुर्तगाल का शासन था, ठीक है, गोवा पर 1981 से पहले भारत जब तक सैन्य प्रक्रिया, सैन्य अभियान नहीं किया गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाने के लिए, तब तक गोवा पर 1981 तक राज था पुर्तगालियों का। किसका राज था? तो राज था पुर्तगाल लोगों का। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर सवाल दिया गया, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? ए आइस हॉकी, बी लॉन टेनिस, सी फुटबॉल, या फिर डी गोल्फ। तो देखिए टाइगर वुड्स जो है वो संबंधित है गोल्फ से। किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, और वो क्या है? तो वो है गोल्फ। टाइगर वुड्स जो है गोल्फ के खिलाड़ी हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सवाल दिया गया, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ए डिंग जियाओपिंग, बी जियांग जिमून, सी जिनपिंग, या फिर डी झीलिंग। तो देखिए
चीन के राष्ट्रपति का नाम है, आप सब भी जानते हो, सी जिनपिंग। अभी काफी ये मुद्दा गरमाया हुआ है हमारे देश के लिए भी। चलिए तो कौन है चीन के राष्ट्रपति? तो सी जिनपिंग। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 चार नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चार नंबर सवाल दिया गया, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो देखिये ध्यानचंद का पूरा नाम जो है मेजर ध्यानचंद है, ठीक है। क्या नाम है ध्यानचंद का पूरा नाम? तो ध्यानचंद का पूरा नाम मेजर ध्यानचंद है। अब ये कौन थे, ये किस खेल से संबंधित थे? ए टेबल टेनिस से, बी बेसबॉल से, सी क्रिकेट से, या फिर डी हॉकी से? तो देखिए मेजर ध्यानचंद जो है वो संबंधित थे हॉकी से। किसे संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर डी, और वो क्या है? तो वो है हॉकी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 पांच नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 5 पांच नंबर सवाल दिया गया, चंद्रमा पृथ्वी का है? ए तारा, बी सूर्य, सी उपग्रह, या फिर डी ग्रह? तो देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। क्या पृथ्वी का? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 छह नंबर सवाल कर लेंगे। 6 नंबर सवाल दिया गया, बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध किस साल में लड़ा गया? ए 1999, बी 1962, सी 1965, या फिर डी 1971? तो देखो मेरा ना यहाँ पे एक चीज बोला हुआ सही हो गया। मैं हर बार बोलते रहता हूँ कि आप ऐसा ना किया करो कि ट्रेडमैन के हो तो केवल ट्रेडमैन की क्लास अटेंड करो, जीडी के हो तो केवल जीडी की करो, टेक्निकल के हो तो केवल टेक्निकल की करो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। अभी जो ट्रेडमैन वाले क्लास देख रहे होंगे उनका सोचना यही होता होगा कि भाई अपना तो ट्रेडमैन है, देख लिया ना, हो गया, अपना तो कम लेवल का है, अपना हल्का है। ऐसा नहीं है, सभी का सिलेबस सेम है। यदि नर्सिंग असिस्टेंट में भी जीके आनी है, टेक्निकल में भी जीके आनी है, जीडी में भी जीके आनी है, क्लर्क में भी जीके आनी है, वे मिलिट्री पुलिस में भी जीके आनी है, और सारे के सारे जीके का सिलेबस सेम है। चाहे जीके की हो, साइंस की हो, मैथ की हो, बायोलॉजी की हो, या फिजिक्स की हो, या केमिस्ट्री की हो, सभी की सिलेबस ऑन एवरेज बिल्कुल सेम है। अंतर क्या होता है कि किसी में जीके ज्यादा होता है, किसी में बायोलॉजी ज्यादा होता है, किसी में मैथ ज्यादा होता है, किसी में फिजिक्स ज्यादा होता है, बस यही एक फर्क है। बाकी सभी का सिलेबस जो है एकदम सेम है। तो कोशिश यही किया करो कि सारे ट्रेड्स की क्लासेस अटेंड करें, यानी कि अपना ट्रेड मैंने कर लिया, हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अभी इसका एक कारण है। ये जो अभी आपका युद्ध दिया गया ना बांग्लादेश की मुक्ति के लिए, जो युद्ध दिया गया है, ये जिसके बारे में पूछा गया है, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन किया गया था 1 नवंबर 2020 के जबलपुर वाले पेपर में, जो कि मैंने बताया है 1 नवंबर 2020 का जो जबलपुर वाला नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन इसी युद्ध से रिलेटेड किया गया था, जिसे मैंने सभी चीजें बताई थी, किस किस देश के बीच में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, कौन जीता था, कौन हारा था, फिर उसके बाद कौन सा समझौता हुआ था। तो जिन्होंने क्लासेज अटेंड की होंगी, जिनकी आदत होगी कि हम सारी की सारी ट्रेड्स की क्लासेज अटेंड करें, उनका तो क्लियर अप होगा, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनकी ये आदत होगी भाई अपना तो ट्रेडमैन है, कर लिया ना, हो गया, कोई टेंशन नहीं लेने का, अपना ट्रेडमैन है, अपना हो गया, तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। इस बार की मैं आपको स्कोर की बात करूं, जिन बंदों ने सारी की सारी ट्रेड्स की क्लासेज अटेंड की वो 40 अबव टच करके आए हैं, लेकिन जिन्होंने केवल अपनी ट्रेड की प्रीवियस ईयर की क्लासेज अटेंड की वो 30-35 के बीच में लटक गए। बताओ ऐसा क्या हो गया कि जो सारी ट्रेड्स की प्रीवियस ईयर जिसने क्लासेस की वो 40 एवं मार के आ गया, और जो केवल अपना करता रह गया वो 30 से 35 के बीच में ही रह गया। तो उसका बस एकमात्र रीजन है कि उन लोगों का सोचा कि अपना ये ट्रेड है, अपने को बस यही करना है। बल्कि बात को समझो, आर्मी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट्स आर डिफरेंस। कहने का मतलब है कि हर सब्जेक्ट में से नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, कि ये क्वेश्चन इसमें से ज्यादा आएगा, इस सब्जेक्ट से कम आएगा, इसमें ज्यादा इसमें कम, ये होता है, नहीं तो सिलेबस सेम है। कोशिश किया करो कि सारी ट्रेड्स की क्लासेस अटेंड करो, आपके लिए ही बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो क्लासेस सारी ट्रेड्स की अटेंड करो, अगर किया हो तो नर्सिंग असिस्टेंट का क्लास अटेंड, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप फट से देते। तो नहीं किया है, सारी ट्रेड्स की क्लासेस अटेंड करो, ऐसा नहीं है कि छोड़ के भाग जाऊंगा, अभी भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पूरी अटेंड करो। चलो तो बात आती है कि बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध किस साल में लड़ा गया था, किस किस देश के बीच में लड़ा गया था वो जान लो। तो वो लड़ा गया था भारत एंड पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में? भारत एंड पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध कौन सा युद्ध हुआ? तो ये लोंगे वाला युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? तो लोंगे वाला युद्ध ये हुआ था, ठीक है। कौन सा युद्ध? लोंगे वाला युद्ध, जो कि राजस्थान में लड़ा गया था, राजस्थान के जैसलमेर से, लोंगे वाला युद्ध ये लड़ा गया था, लोंगे वाला स्थान पे, लोंगे वाला बॉर्डर आउटपोस्ट के पास ये युद्ध लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसे आजाद करवाने के लिए? बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए, ठीक है। अब बोलोगे कि भाई बांग्लादेश तो इस साइड और राजस्थान उस साइड है भी, अगर मैप देखोगे इंडिया का तो लाजमी है, इंडियन मैप देखो आप उठाकर, तो आपको दिखेगा बांग्लादेश इस साइड में है,
बांग्लादेश पूरा का पूरा चला गया आपका पश्चिम बंगाल की ओर, और वो कहाँ चला गया, राजस्थान देख लो उधर पाकिस्तान के बॉर्डर पे चला गया ना, पाकिस्तान के बॉर्डर पे राजस्थान, और ये कहाँ बांग्लादेश एकदम इस साइड है। तो भाई दोनों के बीच युद्ध क्या हो गया, लड़ना था तो यहाँ पे लड़ते ना, जहाँ पे बांग्लादेश था क्योंकि आजाद तो बांग्लादेश को करवाना था। उसका एकमात्र रीजन ये रहा कि बांग्लादेश से जब युद्ध करना था तो पहले जो बांग्लादेश है वो पहले बांग्लादेश नहीं था, पहले वो पाकिस्तान था, पहले वो पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन ज़्यादा उत्पीड़न की वजह से, मुसलमानों पे बंगालियों पे ज़्यादा उत्पीड़न की वजह से उसे बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के रूप में कन्वर्ट करने के लिए सोचा, ठीक है। तो जिस वजह से वो लोग आपका देखो युद्ध तो हो ही रहा था, युद्ध आपका नेवी भी लड़ रही थी, एयरफोर्स भी लड़ रही थी, तो वो बांग्लादेश बॉर्डर पे लड़ रहे थे। लेकिन जो आर्मी हमारी लड़ रही थी जैसलमेर, ये लोंगेवाला आउटपोस्ट पे पाकिस्तान के साथ राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ बॉर्डर है। अब ये युद्ध एक मूवी पे बना हुआ है, ये मूवी बनाया गया है, याद है कौन सी मूवी है, सनी देओल की मूवी है। कौन सी, तो याद करो बॉर्डर मूवी, हम सभी ने देखी है। जो भी अभी के जितने भी मतलब बोला है ना डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे अनुसार तो वो 100% बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने बॉर्डर मूवी देखी ही है। तो वही बॉर्डर मूवी बनाई गई थी इस लोंगेवाला युद्ध पे, जो कि लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश की मुक्ति हेतु। और कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1971 में। और इसके बाद एक शिमला समझौता साइन हुआ था, ठीक है। शिमला समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो और हमारी प्रधानमंत्री उस टाइम की यदि बात बोलूं तो वो कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। इन दोनों बीच शिमला समझौता हुआ था, और शिमला समझौता किया गया था 1972 में। शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में, याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, शिमला समझौता, ठीक है, शिमला समझौता हुआ था 1972 में। और यदि बात की जाए कि लोंगेवाला युद्ध कब हुआ था बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए, तो लोंगेवाला युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए 1971 में। और जब वो लोग हार गए थे पाकिस्तान, तो हमारे साथ शिमला समझौता किया था उन्होंने, जिसमें हमने उनका कब्जाया हुआ जमीन, जिसको पीओके हमने वापस ले लिया था, इंदिरा गांधी की वजह से हमें वो भी वापस देना पड़ा, और जो हमारा उनको उनका जो 20,000 सैनिक भी कैद कर लिया था अपनी इतनी बलिदान देकर, वो 20,000 सैनिक भी हमें लौटाने पड़े उस संधि के अनुसार, शिमला समझौता के अनुसार हमें पहले तो उन्हें लौटाना पड़ा, उन सैनिकों को भी, 20,000 सैनिकों को भी, और करीब करीब बोला जाए तो पीओके हमने पूरा हासिल ही कर लिया था, वापस हमें पीओके भी देना पड़ा इंदिरा गांधी की वजह से। तो ये शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ऑन द क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी बातें बाद में होंगे। बांग्लादेश की मुक्ति हेतु जो युद्ध लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसका नाम है लोंगेवाला युद्ध, कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था, और ये शिमला समझौता उसके जस्ट बाद 1972 में हुआ था। कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। नंबर 7, 7 नंबर सवाल दिया गया, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है, बताना कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है, ए सूडान, बी बांग्लादेश, सी चीन, या फिर डी भारत। तो देखो हमारा भारत जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या में सेकंड नंबर पर है। किस नंबर में हमारा भारत, तो हमारा भारत सर्वाधिक जनसंख्या में सेकंड नंबर पर है। अब जो 2021 में जनसंख्या होगी पूरे के पूरे विश्व में, जो 10 साल में एक बार जनसंख्या की जाती है, तो पूरे के पूरे विश्व भर में जो जनसंख्या होगी 2021 में, उसके बाद पता चलेगा कि हमारे भारत का पोजीशन क्या होने वाला है। लेकिन अभी 2021 में जनसंख्या होने तक हम लोग जो है सेकंड नंबर पर ही रहने वाले हैं। अब यदि फर्स्ट पोजीशन की बात की जाए, तो फर्स्ट पोजीशन पे है आपका चीन। जी हाँ, चीन है फर्स्ट पोजीशन पे, और ये जो बांग्लादेश है ये है सिक्स्थ पोजीशन पे। तो चलिए, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, और वो कौन सा है, तो वो है चीन। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल कर लेंगे। आठ नंबर सवाल दिया गया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये तो देख लो काफी इजी क्वेश्चन है, ए कबड्डी, बी वॉलीबॉल, सी क्रिकेट, या फिर डी हॉकी। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल आप सब भी जानते हो, ट्रेंड है क्रिकेट का, ट्रेंड चल रहा है क्रिकेट का, लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ऑप्शन नंबर डी, और वो क्या है, तो वो है आपका हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, बताना है कि व्हाट इज द कल्चरल डांस ऑफ केरला, ए ओडिसो, बी भांगड़ा, सी कुचिपुड़ी, या फिर डी कथकली। तो देखिए केरल ठीक है, केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली, कुचिपुड़ी नहीं है, कथकली है, ऑप्शन नंबर डी कथकली। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से किसने रामायण की रचना की थी, ठीक है, बताना है कि रामायण की रचना की किसने की थी। तो देखो तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास, या फिर डी कालिदास। तो देखो सबसे पहले ध्यान में आ रहा होगा, जिन्होंने भी रामायण के बारे में पढ़ा होगा,
जिन्होंने भी रामायण बुक के बारे में पढ़ा होगा कि तुलसीदास ने रचना की थी, लेकिन आप गलत हो, ठीक है। तुलसीदास ने रचना की थी रामचरित्र मानस की, ठीक है। किसकी रचना की थी? तो रामचरित्र मानस की रचना, चानस लिखना है मानस, ठीक है। रामचरित्र मानस, ठीक है, चरित, ओके, रामचरित मानस, रामचरित मानस, ठीक है, रामचरित मानस की रचना की गई थी तुलसीदास के द्वारा। वेद व्यास के द्वारा रचना की गई थी महाभारत की, ठीक है, मैथोलॉजी बुक है ये, वेद व्यास के द्वारा रचना की गई थी महाभारत की। तुलसीदास के द्वारा रचना की गई थी मैथोलॉजी बुक रामचरित मानस की। और यदि बात करें रामायण की रचना किसने की, तो संस्कृत में रामायण की रचना रियलिटी में संस्कृत में ही हुई थी, लेकिन बाद में तुलसीदास जी ने उसे हिंदी में अनुवाद करके रामचरित मानस का रूप दिया। लेकिन लिखित रूप से रामायण की जो बात की जाए, तो रामायण की रचना की गई थी, रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि जी के द्वारा। किनके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी, और वो क्या है? तो वो हो गए वाल्मीकि। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल कर लेंगे। 11 नंबर सवाल दिया गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है, बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए खेल प्रशिक्षक, बी खिलाड़ी, सी फिल्म निर्देशन, या फिर डी वैज्ञानिक। तो देखो आप सब भी समझ रहे हो द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिनको भी आंसर मालूम होगा उन्होंने तो टिक मार लिया होगा अपना, लेकिन जिनको नहीं मालूम है घबराने का नहीं, रुको आराम से देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी बनते हैं, कैसे बनते हैं देख लो। द्रोणाचार्य कौन थे? तो द्रोणाचार्य जो थे वो पांडवों के गुरु थे, ठीक है, पांडव कौरव सभी के, लेकिन ज्यादा पांडव पे उनका ध्यान गया था, वो पांडव के गुरु थे, अर्जुन पर ज्यादा उनका खास ध्यान था। तो देखो वो पांडवों के गुरु थे, द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? तो पांडवों के गुरु थे। अब यदि बात की जाए पांडव कौरव सभी के थे तो वैसे नहीं चलेंगे, तो गुरु थे। तो देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य जो है गुरु थे, तो इसका मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार भी किस क्षेत्र में दिया जाएगा? गुरु के ही क्षेत्र में दिया जाएगा, सिखाने के ही क्षेत्र में दिया जाएगा। अब देखेंगे चारों ऑप्शन में से सिखाने वाला काम किसका है? वैज्ञानिक सिखाता है, खिलाड़ी सिखाता है, फिल्म निर्देशन सिखाता है, नहीं वो निर्देश करता है, इधर कर उधर डायरेक्टर इधर वो ऐसे सिखाता है, लेकिन ज्ञान देते हैं नहीं। लेकिन खेल प्रशिक्षक जो है सिखाता है कि ऐसे करो वैसे करो, यहां से भागो वहां से दौड़ो, खेल प्रशिक्षक। तो राइट आंसर है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो कोच के क्षेत्र में दिया जाता है, कोच COACH कोच, खेल प्रशिक्षक के रूप के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल दिया गया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, बताना है कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। तो सबसे पहले दिमाग आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब हिंदी में लिखा हुआ है, समझेंगे क्या होता है। श्रम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सत्र न्यायालय, या फिर डी उच्च न्यायालय। तो देखो हाई कोर्ट कब बोला जाता है? उच्च न्याय, हाई मतलब उच्च समझ रहे हो, और फिर कोर्ट मतलब न्यायालय, तो उच्च न्यायालय बोला जाता है हाई कोर्ट को। अब उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, तो उच्च के ऊपर क्या होगा? लाजमी उच्चतम होगा, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का हिंदी होता है उच्चतम न्यायालय। तो राइट आंसर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में बोलूं तो उच्चतम न्यायालय। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर कितना है 13 देख लेंगे। 13 नंबर सवाल दिया गया, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम, या फिर डी हरियाणा। तो देखिए खजुराहो का मंदिर जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, और वो क्या हो गया? तो वो हो गया मध्य प्रदेश। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल दिया गया, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? ये सब बचपन में आप सबने पढ़ी है, ए भेड़, बी ऊंट, सी घोड़ा, या फिर डी हाथी। तो नहीं भी पता है तो समझो रेगिस्तान में कौन चलता है, तो वही होगा रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी ऊंट। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 और जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार जीके में केवल 15 क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए देख लिया जाए 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 और जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन दिया गया, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, बताना कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए कमल, बी सूरजमुखी, सी गुलाब, या फिर डी गेंदा। इसका राइट आंसर है कमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कमल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे, और देखिए 16 से लेकर 20 तक आपका 5 क्वेश्चन आता है रीजनिंग से, तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग से दिया जाता है। तो चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक रीजनिंग सेक्शन। तो देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 16 यहां से हमारा रीजनिंग सेक्शन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, श्रृंखला को पूरा करें, ए बी एफ जी के एल, और फिर वॉट, यहाँ पे बताना है क्या होगा इन चारों में से, एच आई होगा, पी क्यू होगा, सी ओ होगा, एम एन होगा। तो पहले जो श्रृंखला दिया गया है ना उसे आराम से लिख लेंगे, क्या दिया गया है? ए बी, फिर दिया गया आपका एफ जी, फिर दिया गया है के और एल। अब यहाँ पे जो है हमें पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखो ए था, बी था, आ गया एफ और जी, कैसे चल रहा है देख लेंगे।
दिखता हूँ, सी डी ई, ठीक है, एफ जी। चलो ध्यान से अगर देखोगे तो ज्यादा नहीं करते, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में चल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में चलते हैं क्योंकि टाइम काफी कम दिया जाता है, तो सीधा शॉर्ट से बता रहा हूँ। ये इसका लास्ट और इसका फर्स्ट को देखेंगे, ठीक है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट को देखेंगे, तो बी था यहाँ पे, ए पे क्या हुआ, सी डी ई, तीन डिजिट छोड़ा गया, ठीक है, कितना छोड़ा गया, तीन डिजिट छोड़ा गया, और तीन छोड़ के अगला लिख दिया है एफ, एफ के बाद अगला है जी, और फिर जी के बाद देखेंगे के में क्या किया गया है, तो के में क्या किया गया, एच आई जे, यहाँ पे भी तीन डिजिट छोड़ा गया, एच आई जे छोड़ा गया, और के अगला डिजिट लिख दिया गया, तो यहाँ पे भी कितना डिजिट छोड़ा गया, तीन डिजिट, और के बाद होता है एल, तो नेक्स्ट डिजिट लिखा है एल, अब एल के बाद देखेंगे कि एल के बाद क्या होगा, यहाँ पे पहला डिजिट, तो एल के बाद पहला डिजिट क्या होगा, तो एल के बाद फिर तीन डिजिट छोड़ेंगे, तो एल के बाद होगा एम एन ओ, ठीक है, हम लोग ये तीन डिजिट छोड़ देंगे, एम एन ओ हम लोग तीन डिजिट छोड़ेंगे, जब तीन डिजिट छोड़ेंगे तो ओ के अगला यहाँ पे लिख देंगे तो होता है पी, पी लिख दिया, और पी जिस तरह यहाँ पे ए के बाद बी था, एफ के बाद जी था, के बाद ए था, जस्ट अगला, तो पी के बाद क्या होता है, एम एन ओ पी क्यू होता है, तो यहाँ पे जाएगा क्यू, तो राइट आंसर हो गया पी क्यू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्या हो गया, पी और क्यू। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल देख लेंगे। 17 नंबर सवाल दिया गया, यदि 8 7 6 5 4 ग्रेड को दर्शाता है तो 7 5 4 को दर्शाएगा ए जी ई टी, बी आर ए टी, सी ई ए टी, या फिर डी टी ई ए। तो देखिए क्या करेंगे, ग्रेड को 8 7 6 5 4 किसको दर्शाता है, ग्रेड को दर्शाता है, तो लिख लेंगे 8 7 6 5 और 4, ये किसको दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है ग्रेड को, किसको, जी आर ई ए और फिर टी, यही दर्शा रहा है ना, ग्रेड को दर्शा रहा है, अब हमें बताना है 7 5 4 बराबर क्या होगा, 7 5 और 4। चलो तो ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, 7 के लिए कौन सा डिजिट है, 7 के लिए डिजिट है आर, 7 के लिए कौन सा अल्फाबेट है, तो 7 के लिए अल्फाबेट है आर, फिर है 5 5 के लिए कौन सा अल्फाबेट है, तो 5 के लिए अल्फाबेट है ए, और 4 के लिए कौन सा अल्फाबेट है, तो 4 के लिए अल्फाबेट है टी, राइट आंसर हो गया आर ए टी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल देख लेंगे। 18 नंबर सवाल दिया गया है, अगर कुत्ता भौंकने से संबंधित है तो शेर किससे संबंधित है, ए चीख, बी हिनाना, सी दहाड़, या फिर डी म्याऊं। तो जो कुत्ता का आवाज क्या है, कुत्ता का आवाज ही है भौंकना, तो जो शेर का आवाज क्या है, आप सब भी जानते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दहाड़, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, और वो क्या था, तो वो है देख लो दहाड़। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल देख कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न विकल्पों में से विषम ज्ञात करें, हमें यहाँ पे अलग बताना है, विषम बताना है, याद रखिए विषम बताना है कि इनमें से अलग कौन है, चारों में से, ए 2 b 65 c 8 या फिर डी 64। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो जब देखोगे तो ये देखो, ये एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है, लेकिन ये जो है ये एक विषम संख्या है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, और बी में क्या है, तो बी में दिया गया है 65। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 और रीजनिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल दिया गया, जिस तरह चिकित्सक संबंधित है परिचारिका से, उस तरह अनुयायी संबंधित है, ए यूनियन, बी नियोक्ता, सी नेता, या फिर डी मजदूर। देखिए नियोक्ता से संबंधित है अनुयायी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीट हो गया आपका रीजनिंग सेक्शन तक, अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक साइंस देख लेंगे। आपके आते थे 15 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से, पर आज हम लोग 25 तक ही जाने वाले थे पार्ट वन में, तो 5 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन साइंस का हम लोग पार्ट टू में करेंगे, और जो 15 क्वेश्चन मैथ के हैं वो भी हम लोग पार्ट टू में देख लेंगे। तो चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर सवाल दिया गया, हेपेटाइटिस बी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये अग्नाशय, बी लीवर, सी किडनी, या फिर डी फेफड़े। तो देखिए हेपेटाइटिस बी नामक जो रोग है उसमें हमारा लीवर जो है वो प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी लीवर, हमारा लीवर जो है हेपेटाइटिस बी में प्रभावित हो जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल देख लेंगे। 22 22 नंबर सवाल दिया गया, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो ये तो आप बचपन से ही जानते हो, बी सी ए या फिर डी। तो देखो सूर्य की रोशनी से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है, हमारी हड्डियों को जो मजबूत बनाता है वही विटामिन डी हमें प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल कर लेंगे। 23 नंबर सवाल दिया गया, जीएसएलवी का मतलब क्या है, बताना है कि जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसएलवी का प्रयोग किया जाता है इसरो के द्वारा रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए, ए ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी जियोग्राफिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सी जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल। तो देखो इसका राइट आंसर है ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका राइट आंसर है इसका फुल फॉर्म। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर सवाल कर लेंगे।
24 नंबर सवाल दिया गया, कौन सा रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? बताना है कि निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को जो है सार्वभौमिक दाता, मतलब कि वो किसी को भी दे सकता है अपना खून, वो बोला जाता है ए ओ बी ए सी ए बी या फिर डी बी। तो देखिए ओ ग्रुप वालों को, ओ ब्लड ग्रुप वालों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। ये है कि ये किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 25 और आज का पार्ट वन का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर सवाल कर लेंगे। 25 पर आज काफी सवाल दिया गया है, इनमें से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड, बी सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, या फिर सी मृदा से जल, या फिर डी हरे पौधे की पत्ती। देखो इसका राइट आंसर है सूर्य से प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में जो है, सूर्य का जो प्रकाश ऊर्जा है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश से ही क्या हो गया, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से ही कार्बन, सूर्य के प्रकाश से ही जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। चलिए तो यहाँ पे जो है हमारा आज का पार्ट वन कंप्लीट हो गया, फिर मिलेंगे आपसे पार्ट टू में, जिसमें हमारे 10 बचे हुए जीएस सेक्शन के क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस के, और 15 क्वेश्चन होंगे मैथ के, क्योंकि आपके 15 क्वेश्चन ट्रेडमैन के मैथ से आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।